तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमैट्रिक्स पे। तो आज हम एनिमैट्रिक्स कॉमिक सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में बात करेंगे नागराज की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में। और जहां तक बात रही इसकी कि मैंने कॉमिक सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड के लिए मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज़ को छोड़कर नागराज को ही क्यों चुना, तो इसकी वजह यह है कि मैं इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में किसी इंडियन सुपर हीरो के बारे में बात करना चाहता था, जिससे कि लोगों को इंडियन सुपर हीरोज़ के बारे में भी पता चले और लोगों को ये पता चले कि इंडिया में भी कमाल के सुपर हीरोज हैं जिनकी पावर एबिलिटीज और स्टोरी काफी अमेजिंग है। और क्योंकि बहुत कम लोग इंडियन सुपर हीरोज के बारे में बात करते हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में मैं एक इंडियन सुपर हीरो को कवर करूंगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर हम बात करें नागराज की, तो ये पहली बार राज कॉमिक्स में 1986 में अपीयर हुआ था, जिसके राइटर थे परशुराम शर्मा। और नागराज इंस्पायर्ड है माइथोलॉजिकल इच्छाधारी नाग और हिस्टोरिकल विश्व मनुष्य से। और नागराज की स्टोरी में हमें माइथोलॉजी, फैंटेसी, मैजिक और साइंस फिक्शन ये सब बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नागराज आज भी इंडिया में काफी पॉपुलर है। और इसमें भी कोई डाउट नहीं कि नागराज राज कॉमिक्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। तो अब बात करते हैं नागराज की पावर और एबिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागराज की प्राइमरी एबिलिटी की, जो कि है उसकी बॉडी में मिलियंस ऑफ स्नेक का होना, जिससे कि वो अलग अलग वैरायटी के स्नेक्स का होस्ट बन जाता है और वो उनको ऑर्डर कर सकता है अपनी बॉडी से बाहर आने का और अपने अपोनेंट पे अटैक करने का। और वो उनको सिंपल फॉर्म में क्रिएट होने का इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है, जैसे कि रोप, वेब, पाइप, क्लब्स और भी बहुत कुछ। साथ ही में नागराज उन्हें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी यूज कर सकता है, जैसे कि पैरासूट, ग्लाइडर, बोट और भी ऐसे बहुत से अदर फॉर्म्स में। और ऑर्डिनरी स्नेक्स के अलावा नागराज के पास बहुत से मिस्टिकल स्नेक्स भी हैं, जैसे कि जगमग सर्प, जो कि अंधेरे में चमकने वाला सांप है, ध्वंसक सर्प, जो कि एक एक्सप्लोसिव स्नेक है जो कि एक्सप्लोड कर जाता है जैसे उसकी बॉडी किसी भी चीज की कॉन्टैक्ट में आती है, मानस सर्प, जो कि एक साइकिक स्नेक है जिससे नागराज अपने शरीर से अपने एस्ट्रल फॉर्म में स्प्लिट कर सकता है, और उड़ान सर्प, जो कि एक पंखों वाला सांप है जो कि बहुत तेजी से उड़ सकता है, और नागफनी सर्प, जो कि एक स्ट्रेचेबल स्नेक है जिसकी बॉडी स्पाइक से कवर होती है और वो किसी भी चीज को पियर्स कर सकता है और खुद को इलांगेट भी कर सकता है। और ये सभी स्नेक्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि इनकी संख्या लिमिटलेस हो जाती है। और इसके अलावा नागराज अपनी बॉडी में बहुत से इच्छाधारी और शेप शिफ्टिंग स्नेक्स को भी रखता है, जैसे कि सीत नाग कुमार, जिसके पास आइस को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है, और सौदागी, जो कि एक इजिप्शियन स्नेक वुमेन है जो कि सॉर्सरी और तंत्र कला की मास्टर है, और विलक्षण नाग, जो कि अपनी इच्छा से नागराज की बॉडी से बाहर आ सकता है और लड़ाई में नागराज की हेल्प करता है, और नागू, जो कि एक मणिधारी सांप है जिसके माथे पर एक डायमंड की जैसी मणि है और उस मणि से उसे इल्यूजन कास्टिंग, सेव शिफ्टिंग, एनर्जी बेस अटैक जैसी बहुत सी पावर्स मिल जाती हैं। तो अब बात करते हैं नागराज की अदर पावर्स के बारे में। तो नागराज की बॉडी में सबसे खतरनाक जहर होता है और इस वजह से उसकी बाइट किसी की भी जान ले सकती है, और वो जिसको भी बाइट करता है वो कुछ ही सेकेंड्स में मेल्ट हो जाता है। और नागराज की ब्रेथ में भी ये जहर कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से नागराज जहर को अपनी एक ब्रेथ में कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, जिसे कि वो विष फुंकार कहता है, और जो कोई भी इसे इनहेल करता है उसकी तुरंत मौत हो जाती है। और नागराज जहर को दूसरों के ऊपर थूक भी सकता है, जो कि उतना ही डेंजरस और जानलेवा है जितना उसकी विष फुंकार। और तो और ये जहर उसके ब्लड से भी कंबाइन होता है, जिससे कि जो कोई भी उसके ब्लड को टेस्ट करता है उसकी तुरंत मौत हो जाती है। और अगर हम बात करें नागराज के फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो नागराज के सभी फिजिकल एट्रीब्यूट सुपर ह्यूमन लेवल तक पहुंच गए हैं। उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और स्पीड ये सब सुपर ह्यूमन लेवल की हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो वो आसानी से किसी भी कार या बस को बिना परेशानी के हवा में फेंक सकता है, जैसा कि हमने उसकी कॉमिक वेनम में देखा था, जहां पर वो बुरी तरह से घायल होता है और उसकी ज्यादातर हड्डियां टूट चुकी होती हैं। लेकिन इसके बाद भी वो लोगों को फायर ड्रैगन से बचाने के लिए 100 टन के ग्लोब को उठाने में कामयाब रहा और उसे फायर ड्रैगन के ऊपर फेंक दिया, जो कि जमीन से 100 मीटर ऊपर उड़ रहा था। और नागराज के पास एक्सीलरेटेड हीलिंग फैक्टर भी है, जिसकी वजह से उसके घाव लगभग तुरंत ठीक हो जाते हैं, और उसके शरीर में मिलियंस ऑफ स्नेक होने की वजह से वो उसकी हीलिंग में भी हेल्प करते हैं। और इसी वजह से नागराज के खिलाफ गन, स्वॉर्ड और ब्लेड का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना बेकार है। और नागराज के सभी प्राइमरी सेंसेस भी सुपर ह्यूमन लेवल की हैं, जैसे कि उसकी आई साइट और हियरिंग किसी भी ह्यूमन से बहुत बेटर है। और नागराज इन्वायरमेंट में वाइब्रेशन को भी फील कर सकता है, जिससे कि वो बिना देखे भी फाइट कर सकता है। और नागराज के पास सिक्स्थ सेंस भी है, जिसका इस्तेमाल वो तब करता है जब उसके पाँचों सेंसेस से उसे ज़्यादा मदद नहीं मिलती। और बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस ह्यूमन स्नेक होने की वजह से नागराज के ऊपर किसी भी ड्रग या पॉइजन का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। और एक इच्छाधारी होने के कारण नागराज के पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटी भी है, जिससे कि वो किसी भी क्रीचर या पर्सन में अपने आकार को बदल सकता है। और वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल विंग्स, क्लॉज और फिन्स को ग्रो करने के लिए कर सकता है, जिससे कि वो बेहतर तरीके से लड़ और नेविगेट कर पाए। और वो अपनी इच्छाधारी शक्ति के इस्तेमाल से खुद को इनविजिबल और इंटेंजिबल भी कर सकता है, जिसका यूज़ वो अटैक्स को डॉज और बैरियर को पार करने में करता है, लेकिन वो सिर्फ 3 सेकंड के लिए इस फॉर्म में रह सकता है। और उसकी इच्छाधारी शक्ति उसके हेड को किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट करती है, इसलिए उसके ब्रेन पर किसी भी तरीके के टेलीपैथिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक उसके सोर्स पर ही बैकफायर हो जाते हैं। और नागराज के पास अपनी स्किन को भी सेट करने की एबिलिटी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ते हैं। और वो ये तब करता है जब उसकी स्किन किसी हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि एसिड के कांटेक्ट में आ जाती है। और नागराज किसी भी सरफेस से चिपक सकता है और दीवारों पर भी चढ़ सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ सांप करते हैं। और नागराज हिप्नोटिज्म का भी मास्टर है, और वो किसी को भी कुछ सेकेंड्स में हिप्नोटाइज कर सकता है, जिससे कि वो एक इल्यूजन कास्ट कर सके और अपने विक्टिम को जो कुछ भी वो बताए उस पर बिलीव और उसे ओबे करने के लिए फोर्स कर सकता है। और इसके अलावा भी नागराज के पास इंफ्रारेड विजन, इंफ्रारेड सेंसिंग, डिवाइन पावर, एनर्जी अब्जॉर्प्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स भी हैं। साथ ही साथ वो एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट भी है। और नागराज के पास कुछ अननोन साइकिक पावर्स भी हैं, जो कि बहुत डेंजरस है, और वो अपने सांपों की मदद से अपनी साइकिक पावर को बढ़ा भी सकता है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि नागराज एक काफी यूनिक और पावरफुल कैरेक्टर है, और अगर इस पे अच्छे से काम करके एक मूवी लाई जाए तो काफी पॉपुलर हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।